नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। तो आज के वीडियो में मैं इस बारे में बताने वाला हूं कि जवाहर नवोदय के फॉर्म ऑनलाइन होना शुरू हो गए हैं, उसकी लास्ट डेट 30 नवंबर तक है। तो इसमें आप कैसे अपने बच्चे का रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे और कौन सी चीज़ की आवश्यकता आपको पड़ेगी, फ़ोटो या स्कूल से प्रमाण पत्र कितने KB का होना चाहिए जिसे आप स्वयं अपने आप कर पाएंगे, तो उसके लिए आपको फ़ोटो 10 से 100 KB के बीच चाहिए, सिग्नेचर चाहिए बच्चे के, पेरेंट्स के सिग्नेचर चाहिए और एक विद्यालय द्वारा प्रमाण पत्र बनेगा जिसमें डिटेल भरी होगी, बच्चे का एडमिशन कब हुआ, कब उसने कक्षा 5 पास किया है वगैरह वगैरह, उसको बच्चे के निशान कहाँ पे है, तिल कहाँ पे है, ये सब चीज़ों के बारे में पूरा आपको बताऊँगा। ये सब बताई गई जानकारी से बड़ी आसानी से आप अपने बच्चे का फॉर्म आवेदन कर पाएंगे और सही से कर पाएंगे बिना किसी दुविधा के। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको अपने मोबाइल में ब्राउज़र ओपन कर लेना है, क्रोम और डेस्कटॉप पे आ जाना है क्योंकि मैं आपको अपने लैपटॉप से बताने जा रहा हूँ। तो सिंपल सा मैंने अपना लैपटॉप ओपन कर लिया, आप अपना मोबाइल खोल लीजिए और वहाँ पर जाके गूगल ओपन कर लिए, वहाँ पर आपको सबसे पहले लिखना है CBSEITMS.NIC.IN, इस वेबसाइट पर लिखना है और इस पर क्लिक कर देना है और आपके सामने चाहे तो आप गूगल पे ओपन कर सकते हैं या सिंपल सा आपके सामने जब आएगा तो आप ओपन करेंगे तो आपके सामने जवाहर नवोदय समिति की इस तरह की वेबसाइट ओपन होके आ जाएगी। यहाँ पे आप नीचे स्क्रॉल जब करेंगे तो आपको नीचे राइट साइड कॉर्नर पे ही पहला वाला ऑप्शन दिख जाएगा, क्लिक हेयर टू क्लास 6 रजिस्ट्रेशन, आपको ये दिख रहा होगा ऑप्शन अनाउंसमेंट में राइट हैंड पे पहला वाला ऑप्शन, इस पर आप क्लिक कर लीजिए। ठीक, क्लिक करने के बाद आपके सामने इंटरफेस इस तरह का ओपन होके आ जाएगा, कक्षा 6 में प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन 2022-23। इसमें आप पूरी डिटेल पढ़ लीजिए, लिखा भी है कि कौन सा फॉर्म फोटो साइन कितने KB का होना चाहिए तभी आपका अपलोड हो पाएगा, इससे ज़्यादा या कम होगा तो अपलोड नहीं हो पाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो आप देख लीजिए, लिखा है अभ्यर्थी के हस्ताक्षर 10 से 100 KB के बीच होने चाहिए, अभिभावक के हस्ताक्षर 10 से 100 KB के बीच होने चाहिए, अभिभावक तथा अभ्यर्थी द्वारा हस्ताक्षर प्रमाण पत्र आपको 50 से 300 KB के बीच में चाहिए चाहिए। ठीक है, अब ये डिटेल आपने पढ़ ली, अपना पहले से दस्तावेज़ों को स्कैन करके रखिए। ठीक है, और स्कैन नहीं कर सकते मोबाइल से, आप डाल लीजिए स्कैन करके। ठीक, पहला ऑप्शन आपको मिलेगा, उस राज्य का चयन करें जिसमें अभ्यर्थी कक्षा 5 में पढ़ रहा हो, तो आप क्लिक करके वहाँ पे अपना राज्य सेलेक्ट कर लीजिए, मेरा उत्तर प्रदेश है तो मैं उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लूँगा। दूसरा ऑप्शन है उस जिले का चयन करें जिसमें अभ्यर्थी कक्षा 5 में पढ़ रहा है, तो मेरा ज़िला जो है मैं उसको सेलेक्ट कर लूँगा, मेरा ज़िला लखीमपुर खीरी, तो मैंने लखीमपुर खीरी सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, मैं आपको ये डेमो के लिए बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। और अब यहाँ पर हमको ब्लॉक सेलेक्ट करना है, तो मैं अपना ब्लॉक जो है सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। अब यहाँ पर उस विद्यालय का चयन करना है जिसमें अभ्यर्थी कक्षा 5 में पढ़ रहा है, तो यहाँ पे हम विद्यालय का नाम जो है भर देंगे। ठीक है, अब मेरी जो बात है और स्क्रीन पर ध्यान से सुनते और देखते रहिए जिससे आपको फॉर्म फिल करने में काफ़ी आसानी होगी, सहूलियत होगी। अगर कोई भी दिक्कत आती है आपको फॉर्म फिल करने में तो आप कमेंट से उससे पूछ सकते हैं। अब आपको कैंडिडेट का यानी उम्मीदवार का नाम भरना है, बच्चे का नाम यहाँ पर आप फिल कर दीजिए कैपिटल लेटर्स में, ये ध्यान रखिए आपको ब्लॉक लेटर्स में यानी कैपिटल लेटर्स में अंग्रेजी के भरना है बच्चे का नाम। तो मैंने बच्चे का नाम यहाँ पे भर दिया, उसके बाद मोबाइल नंबर आवश्यक नहीं है लेकिन आप डाल दीजिए क्योंकि फ्यूचर में अगर रजिस्ट्रेशन नंबर आप भूल गए तो उसको फिर से रिकवर करने में फ़ायदा देता है, वहाँ पर आपसे मांगेगा। ठीक है, तो ये हम यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल दिए, उसके बाद बच्चे की जन्म की तारीख आपको डालना है, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ जो विद्यालय से मिला या बिल्कुल जो मार्कशीट्स पे है वो आप डाल दीजिए यहाँ पे, प्रमाण पत्र जो है तो मैं यहाँ पे उसकी जन्मतिथि डाले दे रहा हूँ। अगर मेरे बताए गए वीडियो में आपको कोई जानकारी लगे तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें क्योंकि भविष्य में मैं इसी तरह की अच्छे अच्छे वीडियो लाता रहता हूँ। ठीक है, जन्मतिथि मैंने डाल दी है यहाँ पे, ईमेल आईडी आप चाहें तो डाल दीजिए वरना कोई आवश्यकता नहीं है, मदर्स नेम जो ज़रूरी है वो फिल कर दीजिए यहाँ पे, मदर्स नेम बच्चे की माँ का नाम डाल देंगे हम, उसके बाद फादर्स नेम अभिभावक का नाम यानी पिता का नाम डाल देंगे यहाँ पे, उसके बाद लिखा है नेम ऑफ द गार्जियन, ये ऑप्शनल है आप चाहें तो भरें आप चाहें ना भरें, यहाँ पर आप पिता का नाम डाल सकते हैं माँ का नाम डाल सकते हैं।
ठीक है, लेकिन जो नाम डालेंगे उस अगले वाले में अभिभावक के साथ संबंध में आपको लिखना होगा। मैंने पिता का नाम डाला इसलिए फादर लिख दिया। अब नेशनलिटी जो अपने आप यहाँ पे फिल हो जाएगी नीचे वाले ऑप्शन में, वहाँ पे देखिए इंडियन फिल है ऑलरेडी। अब आपको जब खास चीज़ है बच्चे को देखना है, आइडेंटिफिकेशन मार्क जो उसका पहचान चिन्ह है कोई लिखना है, हाथ पे, उंगली पे, गले पे, राइट हैंड बाय और लेफ्ट हैंड पे, या पैर पे, लेग पे, आर्म पे, गर्दन पे, कहीं पे भी है जो, तो आप वहाँ पे देख लीजिए बच्चे का वो मार्क, यहाँ पे आपको लिख देना है, फ्यूचर में से फ़ायदा हो सकता है, ये ज़रूर है आपको लिखने लिखना। स्टार मार्क है जो जो लाल चिन्ह से अंकित हैं उनको आप भरना ही भरना है आपको। तो मैंने लिख दिया जैसे जले का ठुड्डी पे उसकी जले का निशान है बच्चे की, तो मैंने अंग्रेजी में लिख दिया। अब बर्न मार्क ऑन द चिन, अब यहाँ पे मेल फीमेल सेलेक्ट कर लेना, उसके बाद कैटेगरी जनरल OBC SC ST जो भी है, तो इसकी सामान्य है या OBC है जो भी है आप लिख दीजिए, मैंने लिख दिया। अब यहाँ पर परीक्षा का माध्यम आपको चूज कर लेना, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, जो कोई भी जिस माध्यम से बच्चा परीक्षा देना चाहता है, तो यहाँ पे बच्चा हिंदी में देगा तो मैंने हिंदी माध्यम सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे ऑप्शन है विकलांगता का, अगर विकलांगता है तो वहाँ पे आप सेलेक्ट कर दीजिए, नॉन लिखा है, वरना आप उस पर जब क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शन मिलेगा ऑर्थोपेडिकली विजनरी, और जो भी ऑप्शन है देखिए हियरिंग प्रॉब्लम अगर सुनने में है, देखने में है, और या हड्डियों से कोई दिक्कत है, तो आप कोई भी ऑप्शन वो चूज़ करेंगे, लेकिन ये ध्यान रखिए कि 40% से ज़्यादा हो वरना स्वीकार नहीं, मान्य नहीं रहेगी, ठीक है। उसके बाद आप उसका धर्म चूज कर लेंगे, हिंदू, इस्लाम, क्रिश्चियन, सिख, जो भी है वो आप चूज़ कर लीजिए। उसके बाद फिर से आधार नंबर ज़रूरी नहीं है, चाहे तो डाल दें चाहे तो ना डालें। उसके बाद एनुअल इनकम पेरेंट्स की, माता पिता की वार्षिक आय आपको यहाँ पर डालनी डालनी है, ये बिल्कुल ज़रूरी है, ठीक है, इसको आप भर दीजिए। तो मैंने यहाँ पे 45,000 भर दिया है, ठीक। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपसे कम्युनिकेशन डिटेल्स मांगेगा, यानी बच्चे का एड्रेस, ग्राम, पोस्ट, जिला, ये तीनों आपको यहाँ पे फिल कर देने हैं बिना किसी संकोच के, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डिटेल भर दूंगा, विलेज जो हमारा विलेज है, पोस्ट जो बच्चे का पोस्ट है, और डिस्ट्रिक्ट जो हमारी है लखीमपुर खीरी, वो हम फिल कर देंगे, ठीक है। तो मैंने ये डिटेल भर दी है। अब नेक्स्ट वाले में जो ऑप्शन टू है उसमें हम डिस्ट्रिक्ट अपनी डाल देंगे। और जो नीचे के ऑप्शन हैं आपसे फिर से जो ऊपर आपने फिल किया वो यहाँ पे ऑटो फिल हो जाएंगे। आप नीचे जब स्क्रॉल करेंगे तो आपको ऑप्शन पिन कोड का, यहाँ पिन कोड आपको डालना है, तो पिन कोड हम फिल कर देंगे अपना, जो हमारा पिन कोड है एरिया का वो पिन कोड आप डाल दीजिए, और नीचे STD कोड, टेलीफोन आपको नहीं भरने, सबसे नीचे और आ जाएंगे, यहाँ पे पिछले स्कूल का विवरण भरना है, तो बाकी जो आपने ऊपर फिल किया अपने आप आ जाएगा। यहाँ पे चौथा वाला ऑप्शन है नेम ऑफ द विलेज, गाँव का नाम आपको यहाँ पे फिल करना है, तो जिस गाँव में विद्यालय है उस विद्यालय का एड्रेस, यानी जिस गांव में विद्यालय वहां का एड्रेस आपको यहां फिल करना है। और नीचे स्कूल का नाम जो हमने ऊपर सबसे ऊपर भरा था वो हम यहां पे फिल कर देंगे। ये तीनों में हमको सेम ही रखना है, सॉरी सेम नहीं रखना, मतलब सेम है तभी सेम बता रहे हैं आपसे, क्योंकि मेरे बच्चे जहाँ पढ़ रहा था वहाँ पे तीनों का सेम ही, एक विद्यालय में पढ़ा उसने, 3, 4, 5, क्योंकि इस बीच बच्चे का एडमिशन अलग होता ही नहीं है, ठीक है। और अगर विद्यालय मान्यता प्राप्त है तो रिकॉग्नाइज्ड आप चूज करेंगे, अगर मान्यता प्राप्त नहीं है तो अनरिकॉग्नाइज्ड आप चूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे दोनों ऑप्शन दिए गए हैं, तो आप रिकॉग्नाइज्ड वाला ऑप्शन मैंने चूज़ कर लिया, तीनों सेम। यहाँ पे स्कूल स्थित है, स्कूल की लोकेशन कहाँ है, गांव में है, शहर में है, गांव है तो रूरल, शहर है तो अर्बन, आपको चूज़ करना है। मेरा गांव में विद्यालय तो मैंने रूरल चूज़ कर लिया। अब यहाँ पे प्रवेश लेने का वर्ष माह आपको लिखना है, अगर बच्चा आपका 19 में प्रवेश लिया और 20 में पास हो गया तो आप इसे ऐसे रहने देंगे। और सबसे लास्ट ऑप्शन है कक्षा 5 का, जो थर्ड वाला ऑप्शन है, तो यहाँ पे अगर आपका बच्चा पास हो चुका तो 21 में पास हुआ होगा तो आप 21 चूज़ कर लिया, अगर आपके बच्चे ने पास नहीं किया है तो आप यहाँ पे 22 ही चूज कर लीजिए, या ऐसे ही पढ़ा जो उसको ऐसे ही रहने दीजिए, उसमें कोई फेरबदल ना करिए, ठीक है। तो मेरे बच्चे ने अभी पास नहीं किया तो मैं उसे ऐसे ही पढ़ा रहने दूँ, पढ़ा रहने दूंगा,
ठीक है। और नीचे आप अपलोडिंग पे आ जाएंगे, जहाँ पे आपसे ये फ़ोटो मांगेगा, फ़ोटो बच्चे का अपलोड करना है आपको और उसके हस्ताक्षर अपलोड करने हैं। तो यहाँ पे हम पहले से इसको स्कैन करके रखे थे 10 से 100 KB के बीच में, जो प्रमाण पत्र है वो 50 से 300 KB के बीच में। तो हमको बारी बारी चूज कर लेंगे। आप सबसे पहले हम फ़ोटो उसका लगा देंगे, उसके बाद दूसरा ऑप्शन है उम्मीदवार के हस्ताक्षर, यहाँ पे हम हस्ताक्षर उसके अपलोड कर देंगे। हस्ताक्षर हमने अपलोड कर दिया, नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे माता पिता के हस्ताक्षर अपलोड करने के लिए कह रहा है, तो हम उसको चूज़ कर लेंगे, माता पिता के हस्ताक्षर अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो फिर से ओपन कर लेंगे, माता पिता के हस्ताक्षर हमने अपलोड कर दीजिए। और लास्ट वाला ऑप्शन जो है वहाँ पे प्रमाण पत्र जो विद्यालय द्वारा मिला है आपको, वो आप यहाँ पे अपलोड कर देंगे। चारों को अपलोड करने के बाद सही से आप इसको जांच लीजिए, और जो नीचे ऑप्शन है मतलब पूरी डिटेल आप अच्छे से चेक कर लीजिए कि कहीं पे कोई डिटेल मिस हो, अगर गड़बड़ हो गई हो, गलत लिख गई हो, तो आप उसको सही से चेक कर लीजिए और डाल दीजिए। और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरह के जानकारी वाले वीडियो लाता रहता हूँ। ठीक है, तो के बाद सबमिट एंड रिव्यू वाले ऑप्शन पर हम क्लिक कर देंगे। वो ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। ये देखिए, हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस खुल के आ गया, जहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर है, सब कुछ को डिटेल को हम बड़ी बारीकी से चेक, एडमिशन और उत्तीर्ण करने की डेट वगैरह हम सब कुछ चेक कर लेंगे। और जो सबसे नीचे एक ऑप्शन दिया हुआ है फाइनल सबमिट वाला, तो हम उस पर क्लिक करके उसे फाइनल सबमिट कर लेंगे और प्रिंट कर लेंगे। ठीक है, प्रिंट करने के बाद हमारे सामने ऐसे ऑप्शन आएगा, यहाँ पे हम सीधे प्रिंट कर सकते हैं या सेव एज PDF मोबाइल में भी कर सकते हैं। लोडिंग के बाद हमारे सामने PDF खुल के आ जाएगी। ये हमारे सामने PDF खुल के आ गई, इसको हम सेव कर लेंगे या यहाँ से चेंज करके प्रिंट कर सकते हैं। तो मुझे प्रिंट नहीं करना है, तो मैं इसको अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में सेव कर लूँगा। ठीक है, तो सेव वाला ऑप्शन हम क्लिक करके इसे सेव कर लेंगे। अगर आपको मेरे वीडियो में कोई भी जानकारी अच्छी लगी हो या वीडियो अच्छा लगा हो, तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, जय हिंद।